एमएमएस कांड से पूरा पंजाब सहम चुका है। मोहाली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं और वजह है कि उनका नहाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया है, जिस पर यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये एक अफवाह है कि 7 छात्राओं ने आत्महत्या की कोशिश की, जबकि सच तो ये है कि किसी भी छात्रा ने सुसाइड जैसा कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का कहना है कि किसी भी छात्रा को हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं किया गया। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं के कथित एमएमएस लीक होने का मामला बेहद गंभीर हो गया। शनिवार रात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियोज लीक हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ छात्राओं के आत्महत्या का प्रयास करने की जानकारी आई थी। हालांकि मोहाली पुलिस ने मेडिकल रिकॉर्ड्स के हवाले से दावा किया कि किसी छात्रा ने सुसाइड की कोशिश नहीं की है। So far, no attempt to suicide has come to our notice. Medical record of all the students who were taken to hospital has been taken. Medical record of all the students is being taken on record. Doctor से हम opinion लेके उसके बाद में I'll be able to brief you better. देखिए मेरी एक request है। मैंने पहले भी ये बात कही कि आपके माध्यम से मैं सबको यही message देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की जो rumor है उसके ऊपर हम ध्यान ना दें। ये जो भी है उस टाइम पे र्यूमर्स के कारण हुआ है। हमने कल रात को जो स्टूडेंट्स के साथ में भी इंटरेक्शन हुआ उनको भी हमने ये बात क्लियरली बताई कि र्यूमर्स के ऊपर ध्यान ना दें, जो फैक्ट्स हैं हम फैक्ट्स के बारे में बात करें। एसएसपी के मुताबिक लड़की ने एक वीडियो बनाया था, बाद में अफवाह फैली कि कई और वीडियोज भी बनाए गए हैं। छात्राओं का आरोप है कि इस छात्रा ने नहाती हुई कई छात्राओं के वीडियोस रिकॉर्ड किए, फिर इन्हें किसी पुरुष दोस्त को भेजा जिसने इन्हें इंटरनेट पर डाल दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री ने अपील की है कि स्टूडेंट्स शांत रहें, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।